हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में, और क्वेश्चन का गिवन पार्ट एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन कहता है जी दैट ऑन 1st of April 2018, क्वेश्चन का गिवन पार्ट समझा रहा हूं आपको, देखिए गिवन पार्ट है, कहता है 1 अप्रैल 2018 को एक्स लिमिटेड ने, नहीं एक्स लिमिटेड के पास है, उनके पास एक तो है डेबिट बैलेंस, सॉरी हाँ एक तो है डेबिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। इनके पास ये डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, डेबिट बैलेंस समझते हैं नेगेटिव बैलेंस पड़ा है एज अ बैलेंस ऑफ एसपीएल, और ये रिजर्व एस प्लस बैलेंस किसका बैलेंस है, ये एसपीएल का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। आगे नाउ इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, कहता है अर्न अ प्रॉफिट ऑफ लैक 5 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। अर्न ठीक है, ₹5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल ही इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है जी, चलिए आगे कहता है हाउ वुड यू शो दीज आइटम्स इन बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, कहता है इन दोनों चीजों के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है इन्हें बैलेंस शीट में एंड नोट्स टू अकाउंट्स में शो किस तरीके से किया जाएगा, ये बताइए। तो आइए, हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, उसका एक्सट्रैक्ट बनेगा जहां पे हम केवल रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बातें करेंगे। आइए जी मेरे साथ आप लोग, तो ये देखिए फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना रखा है, और इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें शेयर कैपिटल के बारे में बात नहीं करनी, हमें यहां बात करनी है जी रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो हमारा ये हेड हो गया, ठीक है, आइए रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करनी है। तो इसका नोट बनाएंगे वन, अच्छा नोट नंबर वन तो बनाएंगे करंट ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर का डेटा हमें ऑलरेडी गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है पहले से हमारे पास ₹3 लाख का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, डेबिट बैलेंस यानी पिछले साल का नेगेटिव बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस का, इसे लिख देते हैं, ये लीजिए जी माइनस में लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में डाल दिया ₹3 लाख, ठीक है आगे चल सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसके नोट्स टू अकाउंट्स पर, नोट्स टू अकाउंट्स की बात करें तो इस फॉर्मेट को चेंज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारा पहले बना हुआ है शेयर कैपिटल के लिए, तो आइए इसे भी चेंज कर लें। एक तो इसकी हेडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये ऑथोराइज कैपिटल वगैरह सब नहीं आएगा कुछ भी, इसे भी हटा देते हैं यहां से, ये लीजिए ठीक है, एक मिनट बस, हाँ बाकी चीजें इरेज कर दें, ठीक है चलिए जी आइए। तो ये फॉर्मेट हम यूज कर लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, पहला किसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, ठीक है आपके स्क्रीन पर ये आइए जी, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का ये नोट्स टू अकाउंट्स है, और इसमें हम बात कर रहे हैं पहला हमारे पास देखो सारी चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, उनमें से केवल पीएनएल के बारे में बात हो रही है, तो हम सरप्लस के बारे में बात करते हैं। देखिए सरप्लस जो है उसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस एज पर एसपीएल, ठीक है कितना है जी नेगेटिव में 3 लाख है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है इस बार हम लोगों ने कितना अर्न किया 5 लाख रुपीज, ठीक है तो ऐड कर दो ये, प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग करेंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ठीक है, कितना आ गया जी 5 लाख रुपीज का, सॉरी हाँ 5 लाख रुपीज का इस साल का प्रॉफिट है। तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा अमाउंट, बैलेंस शीट में जाएगा टोटल आ जाएगा, टोटल कर लें इसको, -3 है पॉजिटिव का 5 है, तो पॉजिटिव का 2 आ गया, 2 लाख रुपीज ये जो इस साल के सरप्लस में दिखेगा 2 लाख। आइए तो यहां दिखाएं जी, ये लीजिए सरप्लस में आप कितना दिखा देंगे 2 लाख, जो कि हमने वर्किंग नोट नंबर वन में नीचे बनाया है। अच्छा ऊपर मैंने डेट्स नहीं लिखी है तो डेट्स भी लिख देते हैं, 31st मार्च 19 2019 है,
और कंपनी का नाम क्या है जी? कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। सो एक्स लिमिटेड के बुक्स में ये हमने बैलेंस शीट बना दी और नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाया। नोट्स टू अकाउंट्स यहां देख लीजिए आप, केवल सरप्लस के बारे में बात की हमने, ठीक है। सरप्लस आपको पता है, रिजर्व एंड सरप्लस में लास्ट पार्ट हमने सरप्लस की बात की थी, जो प्रॉफिट की बात करता है, एसपीएल की बात करता है। चलिए तो ये क्वेश्चन तो हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है।